أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Third lecture of our practical is on topic Determination of the percentage composition of potassium permanganate and potassium dichromate which both are present in the given solution by spectrometry के बेटा इसका टाइटल ऐसे भी बन के आ सकता है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द मिक्सचर ऑफ कलर्ड सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ठीक है या इसका टाइटल ऐसे भी आ सकता है वेरीफाई द बेयर लैम्बर्ट लॉ फॉर द गिवन मिक्सचर सॉल्यूशंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड मेजर द अननोन कंसंट्रेशन और फोर्थ इसकी पॉसिबिलिटी क्या है टाइटल की Design an experiment for the determination of percentage composition of potassium permanganate and potassium dichromate in a given solution by spectrometry. ठीक है तीनों में से कोई भी टाइटल आए तो आपने जो है वो सेम मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से आपके पास जो है वो ऑपरेटर सबको चाहिए होगा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होगा क्यूबर्ट्स पाइपेट चाहिए होगी टेस्ट ट्यूब्स हैं पोटाशियम परमैंगनेट है पोटाशियम डाइक्रोमेट का गिवन मिक्सर होगा जिसको हम अननोन सैंपल बोलेंगे इसको हम एनालाइट भी बोल सकते हैं ठीक है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होंगी आपके पास जो है वो कॉनिकल फ्लास्क होंगी बीकर हैं ग्लास रोड है आपके पास थर्मोस्टेट है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और वेइंग बैलेंस है डिस्टिल वाटर एंड इस तरह चीज़ें आपको चाहिए होंगी ठीक है ये मेन चीज़ें हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट में लाजमी चाहिए होती हैं ठीक है सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा जो है प्रिंसिपल इस पे जो है फॉलो होगा आपको याद होगा कि पहले प्रैक्टिकल में मैंने आपको जिसमें हमने कॉपर की एस्टिमेशन की थी यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटरी हमने की थी तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है स्पेक्ट्रोमीटरी क्या होती है तो इसमें जो चीज़ें मैंने आपको तब एक्सप्लेन नहीं की थी तब वो उस एक्सपेरिमेंट से रेलिवेंट में नहीं थी वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और जो टर्म्स पहले हम डिटेल से पढ़ चुके हैं वो यहाँ पर रिपीट नहीं होंगी ठीक है जी सबसे पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिसको EMR EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एब्रीवेशन है एंड मैटर ठीक है कि आपके पास जो EMR और मैटर के आपस में इंटरेक्शन होती है इसकी स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस्ड और एब्जॉर्ब एंड इज क्लासिफाइड इनटू मैनी टाइप्स इसकी बहुत टाइप्स हैं ठीक है तो आपके पास जो है वो मेन इसकी टाइप आपको बताई हुई है जो हमने डिस्कस करनी है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री जी हम पढ़ रहे थे इट हैज़ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इन्वॉल्व कि आप किस स्पेक्ट्रम में किस पार्ट को हम करने जाएंगे आपको पता है कि ये EMR रेडिएशन में जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज भी है रीजन भी इसके अंदर है गामा रीजन भी है एक्स रेज रीजन भी है इसके अंदर जो है वो रेडियो वेव्स भी हैं इस तरह आपके पास इसमें बहुत सी रेंज है तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पार्ट जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम का उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स हैं ठीक है जी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एन अननोन कंपाउंड एंड इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस ऑफ अननोन सैंपल्स एज वेल जी The basic principle or promise of spectroscopy is that the amount of electromagnetic radiation emitted comes from the amount of energy released during the transition of an analyte from the ground state to the excited one and vice versa. इस लाइन मतलब ये है कि जब आप किसी भी एनालाइट पे जब हम EMR रेडिएशन फॉल करते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट पहले होता है ठीक है तो आपके पास एनालाइट जो है उसका एटम जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है की होती है वो एनर्जी को वो रिलीज करते हैं ठीक है इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम है इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर एनालाइट तमाम एनालाइट का स्पेक्ट्रम जब एक जैसा नहीं होता अगर तमाम एनालाइट का स्पेक्ट्रम एक जैसा होता तो हमें जो है वो अननोन को हम डिफ्रेंशिएट ना कर पाते ठीक है जी हम लोग बात कर रहे थे लाइट एमिट होती है ठीक है जी द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज अ फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ इट मीन्स दैट एज अ वेवलेंथ चेंजेस द
अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड डार्क सोर्स चेंजेस कि आपके पास जो है वो इसका मतलब है लैम्डा मैक्स कि लैम्डा मैक्स जो है वो हर एक एनालाइट की डिफरेंट होती है. ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस कैन बी कंप्यूटेड और कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेयर लैम्बर्ट लॉ, जिसको सिंपल हम बेयर्स लॉ भी कहते हैं. ये क्या कहता है, एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अवर एनालाइट. जी, बेयर लैम्बर्ट लॉ क्या बताता है, विच स्टेट्स दैट द एब्जॉर्प्शन, जिसको ए कहते हैं, एंड द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन एनर्जी. डेफिनेटली आपके पास, ठीक है, पर यूनिट एरिया. सिंपली आप कोई भी कह सकते हैं कि ए जो है बराबर है एप्सिलॉन सी एल के. ठीक है, एप्सिलॉन आपके पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, जिसको मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं. आपके पास एल आपके पास जो है पाथ लेंथ है, सी आपके पास कंसंट्रेशन है आपके एनालाइट. ठीक है, और ये जो है एब्जॉर्ब जो एब्जॉर्बेंस है ये लॉग ऑफ टी के बराबर है. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एब्जॉर्बेशन का बताया हुआ कौन सी चीज किसको शो कर रही है. सी का मतलब ये एप्सिलॉन का मतलब है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी. ठीक है, और बी इसको मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं एप्सिलॉन को. बी जो ये आपके पास बी जो है वो लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, कहीं भी इसको बी कहते हैं कहीं भी इसको एल कहते हैं. ठीक है, सी आपके पास क्या है, ये आपके एनालाइट की कंसंट्रेशन है जो आप इसको फाइंड करने जा रहे हैं. ए आपके पास एब्जॉर्प्शन है. ठीक है, टी आपके पास ट्रांसमिटेंस है. और आपके पास ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या होता है, याद रखें कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है बाकी जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती वो वैसे ट्रांसमिट हो जाती है. तो एब्जॉर्प्शन और जो है वो आपके पास ट्रांसमिटेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये. जी, तो आपके पास बेल लैम्बर्ट लॉ जो है पहले थोड़ा हमने देखा भी हुआ है. ठीक है बेटा, ये आप जो है खुद ही कर लीजिएगा, ये पहले एक्सप्लेन हुआ हुआ है. जी, इन द एनालिसिस ऑफ द अननोन सैंपल आर डाइल्यूशन हैव टू बी मेड बिकॉज द बेयर लैम्बर्ट लॉ इज लिमिटेड टू यूज इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस. आपके पास जो है वो बेयर लैम्बर्ट लॉ की क्या आपके पास जो है वो लिमिटेशन उन्होंने बताई आपको. एक तो ये है कि आपके पास जो है सोल्यूशन आपके पास डाइल्यूशन होने चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन होने चाहिए, आपके पास जो है वो लाइट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन होनी चाहिए. क्योंकि हम लोगों ने बच्चे यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि हर एनालाइट की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है, इसलिए मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, तो अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे एनालाइट ने कौन सी वेवलेंथ की लाइट मैक्सिमम एब्जॉर्ब की है, इसलिए जो है हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो यूज करनी पड़ती है. ठीक है, तो आपके मैंने क्या बताया है बेयर लैम्बर्ट लॉ की कौन सी दो अहम जो है इसकी लिमिटेशंस है. एक तो योर लाइट विल शुड बी इन द डाइल्यूट फॉर्म एंड द लाइट विच यू आर यूजिंग इन योर एक्सपेरिमेंट इट शुड बी मोनोक्रोमेटिक लाइट, इट शुड नॉट बी पॉलीक्रोमेटिक लाइट. ओके हो गया. जी, हम प्रोसीजर देखते हैं. सबसे पहले आपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को अपने ऑन करना है तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले एक्सपेरिमेंट से. ठीक है, ताकि जो उसके अंदर वाला इन्वायरमेंट है वो वार्म अप हो जाए. ज़्यादा टाइम तक आप अगर हीटअप करेंगे ऑन करेंगे कोई आधा घंटे पहले तो ये भी रिजल्ट हमारे पास इसमें वेरी हो सकते हैं. तो आपने तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट पहले अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को ऑन कर देना है रीडिंग लेने से पहले. ठीक है जी, नाउ प्रिपेयर. आपने जो है डिफरेंट मोडलिटी के सॉल्यूशंस बनाने हैं, किसके के MnO4 के भी, पोटेशियम डाइक्रोमेट के भी आपने बनाने हैं, 0 ppm का, 2 ppm, 4, 6, 8 एंड 10 ppm. जरा गौर कीजिएगा, ये तकरीबन मेथोडोलॉजी काफ़ी हद तक एग्जाम्पल होगी हमारे प्रैक्टिकल नंबर 1 से, इसमें हमने कॉपर की एस्टिमेशन की थी यूजिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें हम लोगों ने डाइल्यूशन बनाई थी. ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ डबल डिस्टिल्ड वाटर. अगर आपको डबल डिस्टिल्ड वाटर अवेलेबल ना हो तो आप डिस्टिल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं. जी, आगे आपके पास क्या है कि टेक एनी वन ऑफ द अबव सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्यूशन आपने ये बनाए हैं 0, 2, 4, 5, 6 ppm, आप इसमें से कोई भी सॉल्यूशन आप लें. ठीक है, एक्सेप्ट 0 ppm के, और आप क्या करें उसकी जो है वो लैम्डा मैक्स फाइंड करें एंड डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन, जिसको लैम्डा मैक्स कहते हैं फॉर बोथ के MnO4 के. आपने मतलब के MnO4 के भी आपने ये सॉल्यूशन 5 बनाने कौन से 0, 2, 4, 6, 8, 10 ppm तक के. ठीक है, और उन्होंने पोटेशियम डाइक्रोमेट के भी 5 सॉल्यूशन अलहदा से बनाने हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8 एंड 10 ppm के. ठीक है, तो आपने जो है वो
KMnF4 का में से कोई एक सोल्यूशन में ले लें, उसकी आप लैम्डा मैक्स फाइंड करें। सिमिलरली आप K2C या 2C7 के जो आपने 5-6 सोल्यूशन बनाए हुए हैं उसमें से कोई एक सोल्यूशन पिक करें, आप उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू फाइंड करें। ओके हो गया। क्या क्या हुआ, टेक एनी वन ऑफ द अबव सॉल्यूशन एक्सेप्ट 0 PPM एंड डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिसको हम लैम्डा मैक्स कहते हैं सेपरेटली फॉर बोथ KMnF4 एंड K2C या 2O7 सॉल्यूशन जी। उसके बाद हमने क्या करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस एट 440 nm। तो आप देखेंगे कि आपके पास जो के पोटेशियम डाइक्रोमेट की लैम्डा मैक्स आएगी वो 440 nm आएगी और पोटेशियम पर मैग्नेट की आपके पास जो है वो 545 nm ग्राउंड अबाउट आएगी। अब आपने क्या करना है कि आपने प्रिपेयर 100 ml ईच ऑफ 0.001 molar KMnF4 एंड 0.001 molar K2C2 सॉल्यूशन। अब आपने जो है वो KMnF4, अब हमने दो सॉल्यूशन बनाने हैं, KMnF4 का भी बनाना है 0.001 molar सॉल्यूशन। ये आपको मोलैरिटी स्केल कैलकुलेशन आप करेंगे, कैलकुलेशन से पता चलेगा वो क्योंकि आपने KMnF4 की कितनी क्वांटिटी लेनी है कि आपके पास जो सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं वो आपके पास 0.001 molar का हो। अब उन्होंने क्या कहा है बेटे, एक बार जहन में रखिएगा कि आप जो कैलकुलेशन करोगे मोलैरिटी के फार्मूले के मुताबिक, जैसे KMnF4 की आप करोगे तो वो आप उसका वॉल्यूम टोटल कितना होगा आपके पास 1000 होगा। आपने बनाना है कि इसमें है 100 में बनाना है, तो आपने जो है उसकी कैलकुलेशन जो आपने वॉल्यूम वाली समझाई उसके मुताबिक आपने इसको करना है। सबसे पहले जो है आपकी KMnF4 का वेट निकालना है, कितना मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा, ठीक है, उसको मॉलिक्यूलर वेट को जो है 0.001 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो वेट आएगा वो आपके पास आएगा 1000 cm³। और आपको चाहिए कितना 100, तो 1000 में इतना है, 100 cm³ में कितना होगा, ठीक है। इस तरह से हमने KMnF4 का लादा से सॉल्यूशन तैयार करना है अपने 100 ml जिसकी मोलैरिटी कितनी हो 0.001 molar हो। सिमिलरली अपने पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन लादा से तैयार करना है जिसका वॉल्यूम कितना हो 100 ml और इसकी मोलैरिटी कितनी हो 0.001 molar। फर्दर प्रिपेयर 10 ml ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द अबव प्रिपेयर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो अब अपने सोल्यूशन तो बना लिए थे, किसके KMnF4 का भी बनाए थे 0.001 molarity के साथ और आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी बनाया था 0.001 molarity के साथ। अगर वो क्या करें आपने जो है ना 10 ml का सोल्यूशन आपने बनाना है इनमें से यूजिंग द फॉलोइंग डाइल्यूशन। हम डाइल्यूशन आपने देखनी है कि आपने जो है मीन्स के आपने जो 0.001 molar बनाया है KMnF4 का उसको भी स्टॉक 1 कह लें, इसको भी स्टॉक 2 कह लें। तो आपने ये अब हमने के KMnF4 का सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, हमने 100 ml जिसकी मोलैरिटी 0.001 थी, तो उसमें से हम कितना वॉल्यूम पिक करें कि हम अपना नया सॉल्यूशन बना सकें 10 ml का। उसके लिए फार्मूला भी यूज करेंगे m1v1=m2v2, ठीक हो गया। ये डाइल्यूशन फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सबको ये टेबल बताया हुआ है कि आपने काम कैसे करना है कि आपने जो है वो देखिए हमने KMnF4 का सॉल्यूशन भी आपने बनाया हुआ है, वाटर के अंदर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन भी आपने बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपने जो है इस तरह से टेस्ट ट्यूब को अपने कर लें 1, 2, 3, 4, 6 एंड सो ऑन। तो एक में आपने क्या करना है कि 10 ml अपने, ठीक है, 10 × 0 मीन आपने 10 ml जो है वो KMnF4 का लिया, उसमें पानी कुछ भी नहीं है। ये आपने क्या किया कि आपने मतलब जो है ना ये एक तरफ KMnF4 की वॉल्यूम वैल्यू कम करते जाओगे और आप वाटर की बढ़ाते जाओगे, मींस कि आपने 9 ml पिक किया KMnF4 के सोचने का 1 ml वाटर डाल दिया, फिर आपने उसकी KMnF4 सोचने वैल्यू में से 8 ml पिक किया और 2 ml आपने सोचने वाटर डाल दिया, ठीक हो गया। फिर आपने जो है वो 7 ml किसका लिया KMnF4 सोचने में से पिक किया और 3 ml आपने वाटर डाल दिया। इस तरह से जो है ना आपने डिफरेंट डाइल्यूशन आपने जो है प्रिपेयर करनी है इसकी, पोटेशियम परमैंगनेट की भी और पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी। आई थिंक तो समझ आ गई होगी आपके पास। हम 10 जो है वो टेस्ट ट्यूब तैयार कर ली हैं, 10 टेस्ट ट्यूब्स में KMnF4 के सॉल्यूशन मौजूद हैं वाटर के साथ रेशो में, ठीक है, और आपके पास 10 टेस्ट ट्यूब में जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के आपके पास जो है वो सॉल्यूशन मौजूद हैं, ठीक है। आपका स्कूल कितनी टेस्ट ट्यूब हो जाएगी, 20 टेस्ट ट्यूब हो जाएगी, ओके हो गया। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने देखना है कि जी एडजस्ट द वेवलेंथ। आपको मैंने बताया था कि आपके पास जो है KMnF4 और K2Cr2O7 जब आपने इन दोनों की लैम्डा मैक्स फाइंड की थी तो आपके पास जो है वो लैम्डा मैक्स पोटेशियम डाइक्रोमेट की निकली थी 545 और दूसरी की आपके पास निकली थी ये पीछे आपको बताई हुई है 440 nm, ठीक है।
ट्रशियम डाइक्रोमेट की 440 नैनोमीटर थी और ट्रशियम परमैंगनेट की 545 नैनोमीटर थी। आपने क्या करना है, अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को उस लैम्डा मैक्स के अकॉर्डिंग आप सेट कर लो। एडजस्ट द वेवलेंथ एट 540। पहले आप जो है वो जैसे ये पोटेशियम परमैंगनेट की रीडिंग्स ले लोगे सॉल्यूशंस की, उसके बाद आप पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशंस की रीडिंग ले लोगे, क्योंकि जो है अगर आप ऑल्टरनेट लोगे तो आपको बार बार लैम्डा मैक्स वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लेबोरियस और हैक्टिक वर्क होता है, तो आप एक बार जो है अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को आप सेट कर लोगे लैम्डा मैक्स किसकी, आपके KMnO4 की जो कि 545 नैनोमीटर है, और आपने जो KMnO4 की अपने 10 टेस्ट जो तैयार की है ना सॉल्यूशंस की, आप उसकी रीडिंग ले लोगे। बाद में आप क्या करोगे कि अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो है वेवलेंथ सेट किस पे कर दोगे, 440 नैनोमीटर सेट कर दोगे जो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की है, फिर आप उसके 10 सॉल्यूशन जो आपने बनाए हैं टेस्ट ट्यूब में आप उसकी रीडिंग ले लोगे। ओके हो गया, चलिए इस बात को हम पढ़ भी लें। एडजस्ट द वेवलेंथ एट 545 नैनोमीटर एंड इंसर्ट द क्यूवर्ट कंटेनिंग द रेफरेंस लिक्विड, जिसको ब्लैंक लिक्विड कहते हैं, ठीक है, और इसके हम एब्जॉर्बेंस जो है वो 0 पे सेट करेंगे, ठीक है, और ट्रांसमिटेंस डेफिनेटली 100% होगी, क्योंकि एब्जॉर्बेंस अगर 0 हो तो ट्रांसमिटेंस 100% होती है, ठीक है जी। रिकॉर्ड द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सक्सीडिंग क्यूवर्ट्स कंटेनिंग द डिफरेंट, ये जो आपने KMnO4 की सॉल्यूशन आपने तैयार किए हुए, ठीक है, 1 by 1, ठीक है, और आपकी जो है ना वो नोट करते जाओ रीडिंग्स। बाद में क्या करोगे, नाउ प्लॉट द, फिर आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। नाउ प्लॉट द रिजल्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस वैल्यूज, आगे आपको ग्राफ बताए हुए हैं, ओके हो गया, और वहां से जो है आप अपने अननोन की जो है ना रीडिंग फाइंड कर सकते हो, ओके हो गया, ठीक है। यू विल रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डाइल्यूशन ऑफ K2Cr2O7 एज वेल जी। नाउ प्लॉट द रिजल्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस, ठीक है, और आपसे क्या करोगे, एंड ट्रांसमिटेंस एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशन रेंज फॉर द एनालिसिस, ओके हो गया जी। मेजर द एब्जॉर्बेंस ऑफ द अननोन की फाइंड करेंगे एट 545, जो आपने अननोन सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये आपके पास सारे नोन थे, अननोन बनाया हुआ उसकी भी आप 545 नैनोमीटर पे जो है उसके एब्जॉर्बेंस नोट करोगे, ग्राफ से में आप नोट करोगे तो आपके पास उसकी जो है वो आपके पास निकल आएगी कंसंट्रेशन, ओके हो गया जी। प्रिपेयर अ, फिर आपने जो है सिमिलरली पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो डाइल्यूशन बनाई हुई थी आप उसकी भी जो है वो सबसे पहले क्या करोगे, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को लैम्डा मैक्स 440 नैनोमीटर पर सेट करोगे, ठीक है। बाद में क्या करोगे कि आपने जो है वो उसके सारे जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसकी आप रीडिंग लोगे 1 by 1, जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, फिर उसकी भी आप एक अननोन की भी रीडिंग लोगे, आप इसका भी ग्राफ प्लॉट करोगे जैसे आपने पोटेशियम पर मैग्नेट का किया था, ये देखें ज़रा, ठीक है, इस तरह से जो है ग्राफ से आप अपने अननोन की जो है ना वो कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हो, ओके। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द टेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ग्राफ्स बाय इंटरपोलेटिंग द एब्जॉर्बेंस वैल्यू, ओके हो गया, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास, ये देखें जैसे आपको ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है, KMnO4 की आपने जो रीडिंग ली थी और आपने K2Cr2O7 की ली थी, जैसे वो कह रहे हैं आपने डाइल्यूशन बनाई थी कि 1:9, 2:8, अप टू 9:1 तक आपने बनाई थी, ये आपके पास इनकी जो है वो मोलैरिटी आपके पास KMnO4 की आपको दी हुई है, ये आप निकाल भी सकते हो, ठीक है, C1V1=C2V2 फार्मूले से आप जी, हाँ आपके पास जो है ये इनकी कंसंट्रेशन को PPM में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो फार्मूले से। एब्जॉर्बेंस आपके सामने, ये कहाँ से आई, ये आपने जो है वो ली है उससे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आपने रीडिंग ली हुई है जी, और आपने ये ट्रांसमिटेंस आपने के निकाल सकते हो, फार्मूला आपको पता है ट्रांसमिटेंस का, एब्जॉर्बेंस एंड ट्रांसमिटेंस बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, 1 ओवर एब्जॉर्बेंस को करोगे तो आपके पास ट्रांसमिटेंस की वैल्यू निकल आएगी। परसेंट ट्रांसमिटेंस कैसे निकालते हैं, ट्रांसमिटेंस की वैल्यू को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास परसेंट ट्रांसमिटेंस निकल आएगी, इससे आपके पास ये है 0.6194 है, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, वही 61.94 से मिल जाने, ठीक है। आपने हर ट्रांसमिटेंस की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो वो पर्सन ट्रांसमिटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके हो गया जी। सिमिलरली जो है हमने सॉल्यूशन बनाए थे, किसके बनाए थे हमने, पोटेशियम डाइक्रोमेट के भी आपने बनाए थे, ठीक है,
तो आप इस तस्वीर लीजिए, आप इसकी भी जो है वैलिडिटी भी निकाल सकते हो, आप इसका जो है पीपीएम भी निकाल सकते हो, आप इसकी अब्जॉर्बेंस भी निकाल सकते हो, ये खुद आपने जो है वो अपने करना, जैसे आपको ऊपर मैंने के एम एल फोर का टेबल एक्सप्लेन किया है। ओके हो गया जी, आगे चलिए। ये पेज नंबर 40 है, यहाँ पर आपको डीम नजर आ रहा है। मैंने जो है ना ये पेज अलहदा से इसको नोट्स में से इसको मैंने स्कैन लिया है, थोड़ा इसमें ज्यादा फिर भी बेहतर क्लियर नजर आ रहा है। अगर आप चलें ग्राफ हम यहीं से देख लेते हैं, आपको यहाँ पे ग्राफ नजर आ रहे हैं, ये आपके पास जो है वो एक ग्राफ ये वाला पोटेशियम परमैंगनेट का है, ये आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट का ग्राफ बताया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ ग्राफ से आप देख सकते हो। चलिए इस बात को जरा एक मिनट में आपको बताती हूँ।